यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के सूचकांक ए माइनस बी ए ए प्लस बी हों तो ए और बी ज्ञात कीजिए। एक आपको बहुपद दिया गया है, उसके सूचकांक दिए गए हैं, एक्स की पावर तीन है तो तीन सूचकांक होंगे। तो ये मेरे पास अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, ये मेरे पास गामा की वैल्यू है। तो मुझे ए की वैल्यू बतानी है और बी की वैल्यू बतानी है। हमें बहुपद दिया गया है और उसके सूचकांक दिए गए हैं। हमारा फॉर्मूला बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। तो ये मेरे पास सूचकांक की वैल्यू भी ए बी में दे गई है और जो मेरे पास ए बी सी डी की वैल्यू भी होती है वह भी ए बी के अंदर है। इसलिए मैं इस वैल्यू के जो फॉर्मूले बनेंगे वह मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ना कि ए बी में लिखूँगा। अभी आपको बताता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मेरे पास होता है माइनस बी बटे में ए। ए और बी की वैल्यू मेरे को सूचकांक में दे रखी है, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लिखूँगा। तो ये मेरे पास होती है माइनस बी बटे में ए। बी मेरे पास क्या है, माइनस तीन है, ये क्या है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। तो यहाँ लिख दूंगा एक्स स्क्वेयर का गुणांक। अगर यहाँ मैं बी बाय ए लिखूंगा तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, बटे में लिखा जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू होती है ए माइनस बी है प्लस बीटा की वैल्यू ए है और गामा की वैल्यू ए प्लस बी। तो ये मैं लिख दूंगा ए प्लस बी माइनस एक्स स्क्वेयर का गुणांक, ये मेरे पास है माइनस का तीन, एक्स क्यूब का गुणांक तो ये मेरे पास है एक। तो ये माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, ए ए और ए, तो मेरे पास तीन ए बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तीन बटे में एक। तीन यहाँ पर मेरे पास गुणा में इधर आके हो जाएगा भाग में, यानी कि तीन बटे में तीन, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक। फिर चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, वो हमारे पास होता है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। वो हमारे पास होता था सी बटे में ए। तो सी मेरा क्या होता था, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ए मेरे पास होता है एक्स क्यूब का गुणांक। अगर मैं ए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लूँगा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, फिर बीटा और गामा को मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू मेरे पास बहुत बड़ी आएगी। इस वैल्यू को ना लेके मैं तीसरा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, वो हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटे में ए। डी मेरे पास होता है अचर पद, यहाँ पर आएगा माइनस, बटे में होता है ए एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू है मेरे पास ए, गामा की वैल्यू है ए प्लस बी, अचर पद मेरे को दे रखा है एक, एक्स क्यूब का गुणांक मेरे को दे रखा है एक। अब इस वैल्यू को क्या कर लेंगे हम सॉल्व। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ ए ए और ए है, तो ए की वैल्यू मेरे पास है एक। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए माइनस बी, ए को वैल्यू है एक, गुणा करेंगे तो मेरे पास यही वैल्यू रहेगी, तो मेरे पास होगा ए प्लस बी, यानी कि वन प्लस बी हो जाएगा, ये मेरे पास है माइनस का वन। आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख गया होगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर वन का स्क्वेयर आ जाएगा माइनस बी का स्क्वेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का वन, ये वन यहाँ पर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का बी स्क्वेयर है, माइनस का बी स्क्वेयर, ये माइनस का दो हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी दो, ये स्क्वेयर में इधर आके हो जाएगा अंडर रूट में दो, तो अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस भी आएगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है एक और बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है प्लस माइनस अंडर रूट टू। दोस्तों यही है आपके उत्तर।